अच्छा, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था डायनामिक्स से, उसमें हमने सारे पढ़े थे सही है, रीजन के इमोशन का वो सब कुछ हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद गैलीलियो कंसेप्ट पढ़ा था, गैलीलियो कंसेप्ट में हमने फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद न्यूटन ने गैलीलियो का जो कंसेप्ट है उसको लेके उसने थ्री लॉज हमें दिए थे, थ्री लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ पढ़ा था, सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था, थर्ड लॉ पढ़ा था। उसके बाद हमने मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा, उसमें हमने वेरिफिकेशन भी की थी, फर्स्ट लॉ को हमने वेरीफाई किया था, सेकंड लॉ को, थर्ड लॉ को वेरीफाई किया था। अच्छा, अभी तक हम जो कुछ पढ़ रहे थे वो हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी देयर इज नो एनी रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। ओके, सो इसमें हम पैराशूट एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम एक नया टर्म पढ़ेंगे, एंड दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। के टर्मिनल वेलोसिटी क्या होते हैं, सही है? सो चलो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। वी हैव मेंशन दैट इन मोस्ट सिचुएशन द ईयर रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। इन फैक्ट देयर आर सम एप्लीकेशन इन विच ईयर रेजिस्टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर आर सम एप्लीकेशन ईयर रेजिस्टेंस, हम मोस्टली जितने भी अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसमें हमने ईयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किए हैं, सही है? यानी ईयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर लेते थे, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा बड़ा एडवांटेज है। एंड वट इज दैट एडवांटेज वी विल स्टडी टूडे इन दिस टॉपिक। मेरी आवाज सही आ रही है आपको? अच्छा, वन सच केस इज द फॉल ऑफ पैराशूट, सही है? पैराशूट किस तरह, अच्छा, वेन ईयर रेजिस्टेंस प्ले वाइटल रोल, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फॉलिंग थ्रू ए रेजिस्टिव फ्लूड, फ्लूड मीन्स लिक्विड और गैस, डज नॉट इंक्रीज इनडेफिनेटली बट इवेंचुअली रीच ए मैक्सिमम वेलोसिटी कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। द फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज विद स्पीड। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कोई बंदा नीचे आ रहा है पैराशूट के थ्रू, सही है? और वो बंदा जब जहाज से जंप लगा लेता है तो उस टाइम उसका स्पीड बहुत मैक्सिमम होता है, सही है? जैसे वो पैराशूट को ओपन कर लेते हैं तो उस टाइम भी उसका स्पीड मैक्सिमम होता है, लेकिन उसी टाइम एयर रेजिस्टेंस आ जाते हैं, रेजिस्टिव फ्लूड आ जाते हैं, फ्लूड मीन्स लिक्विड या गैस, सही है? तो उस टाइम इन दिस केस इट विल बी गैस, तो एयर रेजिस्टेंस इस केस में आ जाता है, सही है? और वो ऑपोजिट, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, यानी इस डायरेक्शन में ईयर मेरे साथ इस पे एक्ट कर रहा होता है, सही है? और बंदा नीचे आ रहा होता है तो बंदे की वेट की वजह से पैराशूट नीचे आता है और ईयर रेजिस्टेंस उस पे ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होता है, सही है? तो जी, वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द ईयर रेजिस्टेंस, सो दैट्स व्हाई इट मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो बंदे का वेट होता है वो मैक्सिमम होते हैं, ज्यादा होते हैं एयर रेजिस्टेंस से, सही है? तो उसी वजह से वो नेट फोर्स, वो नेट मोशन क्या होता है, नेट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सही है? अच्छा, जब जब कोई फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बॉडी है, वो जैसी एरोप्लेन से जंप लगा लेते हैं तो उस टाइम उसका स्पीड बहुत मैक्सिमम होता है, सही है? वेलोसिटी उसकी बहुत मैक्सिमम होती है, लेकिन जब पैराशूट खोल लेता है, एयर रेजिस्टेंस जब उस पैराशूट पे एक्ट कर लेता है तो उसके बाद उसका मोशन यूनिफॉर्म हो जाता है, सही है? वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ नीचे आते हैं, सही है? तो उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो टर्मिनल वेलोसिटी स्टार्ट हो जाती है, सही है? अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी इन्होंने तो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म नहीं दिया, लेकिन वो इस तरह होते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है? और एक ह्यूमन बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज एम जी, सही है? इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ यही दो फोर्सेस होते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी आपका जब एम जी के इक्वल हो जाता है, इन दिस केस दिस बॉडी विल जी इन दिस केस दिस बॉडी विल ट्रेवल विद ए टर्मिनल वेलोसिटी वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ वो नीचे आते हैं, सही? अच्छा, द फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज विद स्पीड। व्हेन दिस रेजिस्टिव फोर्स हैज रीच ए वैल्यू इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू द वेट ऑफ द फॉलिंग बॉडी, द बॉडी नो लॉन्ग, अच्छा, इससे लास्ट टॉपिक में हमने वेट के बारे में पढ़ लिया, सही है? इससे जो लास्ट टॉपिक था वो कौन सा टॉपिक था, वेट था, सही है? अच्छा, वेट के क्या क्या फायदे हैं, या वेट हम कहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं, कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, तो वो उसके बाद इन्होंने इस टॉपिक को रख दिया, यानी टर्मिनल वेलोसिटी। यानी अभी मुझे समझ आ गया कि वेट, व्हाट इज मीन बाय वेट, तो उसके एडवांटेज क्या है वो हम इसमें पढ़ते हैं। उसके नीचे जो भी टॉपिक होते हैं वो बेस्ड अपॉन द लास्ट टॉपिक्स। अच्छा, द बॉडी नो लॉन्गर एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन नहीं है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है एंड कंटिन्यू एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज ए केस ऑफ मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्टार्ट ऑफ विद ए वैल्यू ऑफ जी। अच्छा इस केस में क्या एक्सेलरेशन होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ नीचे आता है तो इस केस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 ही होगा, जीरो होता जाएगा एग्जैक्टली। बट डिक्रीज टू जीरो एट द टाइम व्हेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव्ड। Then, thus, raindrop and parachute are normally traveling at a constant speed, but by the time they approach the ground, figure 4.8. सही है, समझ आ गया आपको? अच्छा, अभी इस टाइप के जो numericals होंगे, उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सही है? तो वो numericals के टेक्निक्स इस टॉपिक में बताएगा कि प्रॉब्लम्स आप किस तरह सॉल्व करोगे। अच्छा, किस तरह आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपने सारे एक्स एक्सिस को ले लेने, उसको ग्राफिकली ऐड करना है। ग्राफिकली मींस अगर एक्स डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेना है, अगर माइनस एक्स डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव देना है। उसके बाद वाई एक्सिस में जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके पास उस बॉडी के, वो सब कुछ वो सारे ऐड करने हैं और उससे फिर आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं। तो इसमें भी यही बातें कि प्रॉब्लम सॉल्व इन डीलिंग विद प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग न्यूटन लॉज स्टार्ट बाय ड्राइंग एस जनरल स्केच। आपने जनरल स्केच ड्रा करना है और द सिचुएशन, जो सिचुएशन आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, देन कंसिडर ईच बॉडी इन यूर स्केच। एक एक बॉडी को आपने लेने, फॉर एग्जाम्पल एक एक बंदा है वो ट्रॉली पे फोर्स एक्ट कर रहा है, सही है, फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आपने लेना है, इसके एक्स और वाई कंपोनेंट को, इस चीज़ को भी आपने लेना है कि इस पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सही है, तो एक एक चीज़ को आपने लेना है। अच्छा, हियर इट इज ए रियल हेल्प टू ट्राई टू ड्रा द एरो। बस एरो ड्रा करने से आपको डायरेक्शन देते हैं, विच रिप्रेजेंट द फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली द करेक्ट डायरेक्शन एंड अप्रोक्सीमेटली टू स्केल लेवल ईच फोर्स विद मैग्नीट्यूड और विद ए सिंबल इफ यू डू नॉट नो the magnitude for each force you must know the cause of the force। अच्छा, जो force उस पर एक्ट होता है तो उसका काज यानी ग्रेविटी उस पर एक्ट होगा, उस बॉडी पर फ्रैक्शनल फोर्स भी उस पर एक्ट होगा एंड सो ऑन। यू मस्ट ऑल्सो नो ऑन वट ऑब्जेक्ट डेट फोर्स एक्ट और बाई वट ऑब्जेक्ट इट इज एग्जैक्टेड। सही है, कौन से बॉडी पे और किस उस बॉडी पे किसकी वजह से बाय वट ऑब्जेक्ट इट इज एग्जैक्टेड। अच्छा, दिस लेवल डायग्राम इज रेफर्ड एज ए फ्री बॉडी डायग्राम बिकॉज इट डिटेच द बॉडी फ्रॉम द अदर इन द सिचुएशन हैविंग एस्टैब्लिश्ड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। यू कैन यूज न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, तो उसको आप एफ इज इक्वल टू एम जी में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी उस न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से आपने सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है आफ्टर रिजॉल्विंग ऑल दैट कंपोनेंट्स। अच्छा, दिस प्रोसीजर इज इलस्ट्रेटेड इन द एग्जांपल व्हिच फॉलो ऑन। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। इन सम प्रॉब्लम द सिस्टम ऑफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम मींस दे आर एट रेस्ट और मूविंग विद ए इन अ स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इक्विलिब्रियम मींस एट रेस्ट और मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज जीरो। जब इक्विलिब्रियम में होगा तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, सो द रिजल्टेंट फोर्स उसका जीरो होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, ए इज जीरो, सो एफ रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो जीरो। इन अदर केस द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो एंड द ऑब्जेक्ट इज इन द एक्सेलरेशन। सही है, कुछ केसेस में जीरो होगा, कुछ केसेस में जीरो नहीं होगा। अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो जीरो होगा, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो वो उसका एक्सेलरेशन होगा और कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, जो जिस एक्सेलरेशन से वो ट्रेवल कर रहे और उस बॉडी का मास। अच्छा, विच एवर केस अप्लाइज यू शुड रिमेंबर दैट फोर्स आर वेक्टर। आपने इसको यानी आपने याद रखना है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मींस उसको आपने रिजॉल्व करना है एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। अच्छा, यू विल प्रोबेबली हैव टू रिजॉल्व द फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स एट राइट एंगल एंड देन अप्लाई द सेकंड लॉ टू ईच कंपोनेंट ऑफ टू ईच सेट ऑफ कंपोनेंट, यानी फोर्स में साथ वेक्टर क्वांटिटी है उसको जी, तो उस डायरेक्शन में नहीं नहीं जी बिल्कुल, आपका एक एफ एक्स कंपोनेंट होगा, एफ वाई कंपोनेंट होगा। सही है, इस चैप्टर फोर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें जो फोर्स अप्लाई होगा उसको आपने ऑलवेज रिजोल्व करना है। सही है, ये बात आप याद रखिए, आपने हमेशा रिजोल्व करना है। सही है, इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल्स आ जाए इस चैप्टर उसको हमें हमेशा रिजोल्व करना है। अच्छा, अभी एक्सेलरेशन भी आपको गिवन होगा तो वो ए एक्स फॉर्म में होगा या ए वाई फॉर्म में होगा। सही है, तो एफ एक्स किसकी इक्वल होगा, एम ए एक्स, एफ वाई किसकी इक्वल होगा, एम ए वाई। जी, आपने ये गलती नहीं करनी कि एफ वाई इज इक्वल टू एम ए एक्स, ये आपने गलती नहीं करनी, ये गलत होगा। सही है, यानी आपने जब भी कोई भी फार्मूला लिखने हैं, वो चाहे लास्ट चैप्टर में था, लास्ट चैप्टर में हमने कर दिया था, आपने जो भी फार्मूले लिखने या कुछ भी करना है तो
फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस के बारे में आपने कुछ फाइंड करना है, तो सारे कंपोनेंट्स उस फॉर्मूले के सारे कंपोनेंट्स जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जो उसके वेक्टर क्वांटिटीज है, वो सारे कंपोनेंट्स आपने एक्स एक्सिस में ले लेने हैं, सही है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मेरे साथ मास जो का मास मेरे साथ हमेशा गिवन होगा, ये मेरे साथ यानी स्केलर क्वांटिटी है, सही है। तो इसकी मैं परवाह नहीं करूंगा, मैं किस चीज का परवाह करूंगा मैं इस एक्सेलरेशन का, क्योंकि मेरे साथ वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैं एक्स एक्सिस लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि मैं फोर्स एक्स एक्सिस में फाइंड कर रहा हूं, सही है। अच्छा, अगर ए एक्स आपके पास इस डायरेक्शन में होगा तो आपने पॉजिटिव लेना है, अगर इस डायरेक्शन में होगा तो आपने नेगेटिव लेना है। ये बात भी आपने याद रखना है, इसमें आपने मिस्टेक्स नहीं करना, क्योंकि एक ही साइन प्लस या माइनस आपके सारे न्यूमेरिकल को गलत कर देगा, सही है। तो आपने बहुत केयर करके नहीं, नहीं आपने ये याद नहीं रखना कि फॉर एग्जाम्पल वो वाले न्यूमेरिकल्स आ गए तो मैंने मेरा जीरो का, उसका रीजन आपने फाइंड करना कि क्यों जीरो का, सही है। वो पैराबोला था, सही है, वो पैराबोला था तो उसमें इसलिए जीरो होता, इसलिए। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट यही है कि आपने रीजन फाइंड करना है, सही है। अगर आप इस तरह याद कर लो कि इसका ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा, इस केस में ये जीरो, तो आपने रीजन फाइंड करना है। इसमें किस तरह होगा वो हम आगे कर लेंगे इंशाल्लाह, सही। आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, हमारा टारगेट यही है आज इस चैप्टर को खत्म करने, कल इंशाल्लाह हमने इसके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, सही है। ये अभी मैं भी बहुत तेजी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, वरना ये मैं सारे कंसेप्ट आपको बहुत आसान आराम आराम के साथ क्लियर कर लेता, और बीच में कुछ टेस्ट भी रख लेता तो आपका यानी कंसेप्ट बहुत फुली क्लियर हो जाता उससे, लेकिन टाइम हमारे पास कम है तो इसलिए मैं बहुत तेज़ी के साथ जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लिया करो, सही है जी। ये सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, या सर थोड़ा स्लो हो जाए, मैं यानी मुझे क्लियर नहीं हो रहा, सही है, क्योंकि मैं एक ही लेक्चर में अभी आजकल मैं दो क्लासेस आपके साथ ले रहा हूँ, डबल क्लासेस। कल भी हमने डबल क्लास लिए थे, परसों भी लिए थे, तरसों हमने नहीं लिए थे क्योंकि वो नेट का प्रॉब्लम आ गया था। तो इसी वजह से मैं इन एट अ टाइम आपके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अंदर डाल रहा हूँ आपके ब्रेन में। तो जी हाँ ख़त्म हो जाए, ये आपकी बात सही है, लेकिन टाइम शॉर्ट कम है तो इसी वजह से मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ। अच्छा, विच और केस है, यू शुड रिमेंबर दैट। अच्छा, फोर्स वेक्टर, यू विल प्रोबेबली हैव टू रिजॉल्व द फोर्सेस इनटू टू कंपोनेंट्स एट राइट एंगल, दो कंपोनेंट्स में आपने डिवाइड किया, एंड देन अप्लाई द सेकंड लॉ टू ईच सेट ऑफ कंपोनेंट्स सेपरेटली। प्रॉब्लम कैन ऑफन बी सिंप्लीफाइड बाय मेकिंग अ गुड चॉइस ऑफ डायरेक्शन फॉर रिजोल्यूशन, यू विल एंड अप विद अ सेट ऑफ इक्वेशन। अच्छा, बस आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये आप कर लोगे, सही है, ये आप आपको सोल्यूशन गिवन है जी, बिल्कुल आपको सोल्यूशन गिवन है, बस आप कर लो, ये दूसरा हम कर लेंगे। अच्छा, मेरे साथ ए पर्सन गार्डनिंग पुशेस ए लॉन मोर ऑफ मास 18 किलोग्राम एट कांस्टेंट स्पीड, ये बात आपने ध्यान में रखनी। टू डू दिस रिक्वायर ए फोर्स पी ऑफ 80 न्यूटन डायरेक्टली अलोंग द हैंडल सही है, विच इज एट एंगल ऑफ 40 डिग्री। कितना एंगल? 40 डिग्री to the horizontal, horizontal के साथ बना। अच्छा, calculate the horizontal retarding force on the mover। अच्छा, retarding force क्या होगा इस केस में? What is mean by this retarding force? जो frictional force, good, exactly, जो frictional force होगा, सही है? अच्छा, अभी जो हमने last topic में पढ़ा, उसको हम utilize करते हैं और इस numerical को हम solve करते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि force is a vector quantity, यहाँ पे force क्या है? PA। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम रिजोल्व करते हैं। पी किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? इस डायरेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे वैसा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कितना? 80 न्यूटन। तो मैं इसको रिजोल्व कर लेता हूँ इनटू इट्स। अच्छा, अच्छा
मैं इसको रिजोल्व कर लेता हूँ। अच्छा मैं सपोज इस डायरेक्शन में, सही है, तो मैं इसको इस डायरेक्शन में मैंने वेक्टर ले लिया, सही है, एन फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो मैं इसको रिजोल्व कर लेता हूँ, तो ये मेरे साथ पी वाई हो जाएगा, ये मेरे साथ पी एक्स हो जाएगा। अच्छा मेक एंगल 40 डिग्री। अच्छा ये 40 डिग्री एंगल बना रहा था, अच्छा ये किस तरह था, ये फोर्स ये इस तरह एक्ट हो रहा था, सही है, कितना एंगल बना रहा था, 40 डिग्री विद दी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, मैं कह सकता हूँ बिकॉज अल्टरनेट एंगल है, तो ये 40 डिग्री सर आप वही जो 80 वाली लाइन आ रही थी उसी को लंबा करके आगे उसके बना दिए ना जी, उसके या बना दिए फिर है, ये देख यहाँ पे उसका डायरेक्शन नीचे था तो मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया, सही है, और एक्स और वाई कंपोनेंट में मैंने उसको रिजोल्व कर लिया, समझ आ गया आपको एंगल का, समझ आ गया आपको अल्टरनेट एंगल है, सही है, तो मैं उसको रफ कर देता हूँ, तो एंगल वैसा सर फोर्ट। वो वेक्टर्स में भी ना सर वो बुक में नहीं था, आज मैं देखा था नोट्स में, इसमें इक्विलिब्रियम वाला हाँ तीन कोटि रेखा वेक्टर है तो रिजल्टेंट 0 वेक्टर्स में था, वो वाला नहीं हमने किया था, वो छोटा सा ही था तो वो भी एक्सप्लेन करना है। अच्छा मैं आपको तीन, नोट्स पे वो पिक्चर भेज दूंगा, तुमको नोट्स ना एवं समझ बच्चा भी दूंगा आपको। चलो सही है, वो मुझे सेंड कर दे, फिर डिस्कस करेंगे, सही है उसको। अच्छा एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द हॉरिजेंटल वो मैंने कर दिया, सही है। अच्छा मास 18 किलोग्राम है, सही है वो। अच्छा कैलकुलेट द रिजल्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑन द मोर। अच्छा रिटार्डिंग फोर्स किस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट पॉजिटिव डायरेक्शन डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, सही है, तो मैं एक्स एक्सिस को यूटिलाइज करूंगा, सही है, अगर कुछ अननोन है तो मैं वाई कंपोनेंट को यूटिलाइज कर लूंगा, उससे अननोन फाइंड कर लूंगा और उसको फिर एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में पुट कर लूंगा, तो उससे मुझे आ जाएगा। अच्छा मेरे साथ एफ किसके इक्वल है, एफ एम ए, ठीक क्या है एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल है, सही है, लेकिन इन दिस केस एफ इज पी, सो आई कैन से दैट पी इज इक्वल टू एम ए, सही है। अच्छा अच्छा इसको मैं साथ क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, सही है। अच्छा इसलिए हम फोर्स का एक्स कंपोनेंट सिर्फ निकाल लेंगे और वो वही फ्रिक्शन फोर्स होगा, यही है। अच्छा सॉरी मेरे साथ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सही है, तो मैं लिखूंगा कि माइनस पी एक्स प्लस एफ, लेट्स आई रिप्रेजेंट डिफ्रेक्शनल फोर्स बाय दिस इज इक्वल टू एम ए एक्स। इस अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि आपने जितने भी फोर्सेस है उसको एड अप करना है, सही है, तो यहाँ पे फोर्स में सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने जितने भी फोर्सेस थे अलोंग एक्स एक्सिस ये फोर्स में सब, क्या एक्स उसका जो एक्स कंपोनेंट था उसमें ऐड कर दिया, जी जी बिल्कुल ठीक है वो उसका। बिल्कुल उसके ऊपर। अच्छा माइनस पी एक्स को डायरेक्शन को देख लो, पी एक्स मेरे साथ माइनस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैंने उसको माइनस पी एक्स लिख दिया, सही है, फ्रिक्शनल फोर्स मेरे साथ इन दिस केस प्लस एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में, मैंने उसको प्लस एफ लिख दिया, सही है, इज इक्वल टू एम ए एक्स। अच्छा जब भी आपने न्यूमेरिकल को सोल्व करना है तो उसमें आपने एक एक चीज का ख्याल रखना है, उसमें जो भी चीजें आपको गिवन होगी तो उसका कुछ ना कुछ वो यूज होगा, उसके यूजेस होंगे, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड गिवन है तो इट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो, किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, ये एक्स डायरेक्शन में, सही है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी स्पीड इसका अलोंग एक्स डायरेक्शन है, तो इसका एक्सेलरेशन भी अलोंग एक्स डायरेक्शन होगा, लेकिन इन दिस केस ड्यू टू कांस्टेंट स्पीड माई एक्सेलरेशन इज जीरो, सो इट विल बी माइनस पी एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो, समझ आ गया आपको। इसका समझ आ गया आपको मैंने जो लिखा अभी,
यहाँ पे मेरे साथ एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो उसी उसकी वजह से ये टर्म मेरे साथ जीरो हो गया, सही है? जी बिल्कुल, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड की वजह से, सही है? तो एफ इज इक्वल टू पी एक्स, सही है? तो पी एक्स इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, तो पी मेरे साथ 80 है, थीटा मेरे साथ 40 है, तो एफ क्या क्या आ जाएगा? अब इसको नोट कर लो। नहीं, क्या मतलब पी एक्स हमने फाइंड किए? जो इक्वल से वहां पे चला गया, इक्वल से उधर चला गया, तो मेरे साथ प्लस एक्स प्लस पी एक्स हो गया ना। अच्छा, if this retarding force over a constant means 61.28 constant rate, what force applied along the handle would accelerate the move? अच्छा, अभी मैं साथ part A में मैंने acceleration zero लिया था क्योंकि constant speed था, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि नहीं zero नहीं है, अगर उसका acceleration भी हो तो फिर कितना P required होगा, कितना P required? P तो इन्होंने दिया कि 80 न्यूटन required होगा अगर constant speed होगा, लेकिन अगर P अगर constant speed ना हो acceleration भी हो उसका, तो कितना P required होगा? तो आपने अच्छा मेरे साथ मैंने अभी क्या लिखा था कि P x माइनस पी एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए एक्स, सही है? तो एफ तो मेरे साथ कांस्टेंट है 61.28, तो माइनस पी एक्स प्लस 61.28 इज इक्वल टू एम कितना है, एम 18 है, 18 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन इज वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, सो वेलोसिटी इज 1.2 डिवाइड बाय टाइम इज 2, तो इससे क्या आएगा माइनस पी एक्स, इससे आएगा ओके 50.48 समझ आ गया आपको? नहीं सर, मैं समझा देता हूँ। 65.89 अच्छा मेरे साथ पी एक्स ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सही है? तो पी एक्स मेरे साथ 50.48 की इक्वल आ गया, सही है? यहाँ पे अच्छा मेरे साथ माइनस पी एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए एक्स, सही है? तो माइनस पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस एफ किसके इक्वल है? 61.28 इज इक्वल टू एम, एम कितना है? 18 है इन दिस केस, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, एंड इन वेलोसिटी इन दिस केस इज 1.2 डिवाइड बाय टाइम, एंड टाइम इज 2 सेकंड, सो इट विल बी 1.2 डिवाइड बाय 2, सो आफ्टर दैट यू सिंप्लीफाई इट एंड यू गेट px इज इक्वल टू 50.48. नाउ px इज इक्वल टू p cos theta एंड दैट इज इक्वल टू 50.48. जी बिल्कुल, तो P इज इक्वल टू 50.48 डिवाइड बाय 40 cos 40, 40 इज द एंगल व्हिच इज गिवन टू अस, सो नाउ माय P इज इक्वल टू 65.89, सो दिस विल बी माय P इफ दिस बॉडी ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 1.2 मिली पर सेकंड एंड टाइम 2 सेकंड, समझ आ गया आपको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नोट कर लिया आपने? अच्छा क्वेश्चन फॉर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास इतना ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ इतना,
सो मोमेंटम इज पी इज इक्वल टू, दोनों गिवन है, पुट कर लो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा यानी कंजर्व होगा यानी इक्वल होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, सही है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इट विल बी कंजर्व्ड। अच्छा, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट मोमेंटम ऑफ ए सिंगल पार्टिकल इज कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स और नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल। ओके, नाउ थिंक अबाउट ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, अगर हम टू पार्टिकल के बारे में सोचे, वी अलाउ दीज टू पार्टिकल टू एक्सर्ट सम सॉर्ट ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, इट कुड बी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और इफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किसके ऊपर, अर्थ और सन के बीच में, लेट से एक बॉडी में साथ अर्थ है, लेट से दिस इज माई अर्थ एंड दिस इज माई सन, सो इनके बीच ए सॉर्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, सही। तो ये उसकी बात करें, इफ द पार्टिकल वर चार्ज इट कुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन, प्लस माइनस, वो आपको पता है। अच्छा, दीज टू पार्टिकल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड एक्सपीरियंस नो आउटसाइड फोर्स एट ऑल, सही है। If the first particle exerts a force F on the second, Newton's third law tells us that the second exerts an equal but opposite force, and that is minus F on the first. The minus sign indicates that the force is in opposite direction. As we saw in the last section, we can express this law in terms of change of momentum. The change of momentum of the second particle as a result of force exerted on it by the first is equal and opposite to the change in momentum. ये बॉडी ट्रेवल कर रहा है, सही है, इस डायरेक्शन में, सही है। इसका अपना एक मास है, सही है, इसकी अपनी एक वेलोसिटी है, सही है। लेकिन जैसे ये इस बॉडी के साथ कोलिजन कर ले, तो उसके बाद इस बॉडी का अपना एक मास होगा, अपना एक वेलोसिटी होगा, सही है। तो इस बॉडी और ये बॉडी कुछ ना कुछ अपना मोमेंटम इस बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देगा, जिसके थ्रू वो ट्रेवल करेगा, सही है। समझ आ गया आपको? एक दूसरी बॉडी है, वो ये दूसरी बॉडी है, इसके ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, सही है। तो इसका एक मास होगा, ऑब्वियसली इट इज द बॉडी, सो दैट्स व्हाई इट हैव स्पेसिफिक मास एंड इट विल ट्रेवल विद एन एक्सेलरेशन ए। ओके, सो इट विल बी एम, नो इट विल ट्रेवल विद वेलोसिटी वी, सो इट विल बी, इट्स मोमेंटम विल बी एम वी। ओके, जब ये इसके साथ कोलिजन कर लेगा तो उसके बाद इस बॉडी का स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज हो जाएगा, सही है। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? मोमेंटम कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाएगी उसकी, सही है। मोमेंटम क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये बॉडी मोशन स्टार्ट कर लेगा। तो क्या मतलब, इस बॉडी ने थोड़ा सा मोमेंटम इसको दे दिया, सही है, जिसकी वजह से इस बॉडी का मोमेंटम कम हो गया और इस बॉडी ने मोमेंटम गेन कर लिया, एंड देट विल बी एम वी डैश। अच्छा, ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझ लो, समझ आएगी आपको। अच्छा, द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द फर्स्ट इज इक्वल, यानी चेंज इन मोमेंटम इस पार्टिकल में, ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, आफ्टर कोलिजन इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया ना, मोमेंटम चेंज हो गया इसका, इस बॉडी इसमें भी चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया, सही है। तो जितना चेंजेस, जितना डिक्रीज इसमें आया है, उतना इंक्रीज इसमें आ जाएगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम सेम रहेगा। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल पार्टिकल, सॉरी, ऑफ द फर्स्ट बॉल will be equal to the change of momentum of the second ball. See? Achha, thus the change of momentum of the individual particle cancel out and the momentum of the system of two particles remain constant. See? Agar dono ko main sum up kar lu to wahi momentum aayega jo pehle is body ka tha.
द पार्टिकल हैव मेरली एक्सचेंज सम मोमेंटम, यानी क्या हुआ, इसने इस बॉडी ने एक्सचेंज के लिए मोमेंटम को, थोड़ा सा मोमेंटम इस बॉडी को एक्सचेंज कर दिए, तो मीन्स मोमेंटम मेरे साथ कंजर्व रहा, इक्वल रहा। अच्छा, इसको इन्होंने फिर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा तो पी प्लस पी पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वे पी इज द टोटल मोमेंटम एंड पी वन पी टू आर इंडिविजुअल मोमेंटा, इसका पी टू होगा इसका पी वन होगा इंडिविजुअल मोमेंटा। वी कुड एक्सटेंड दिस आइडिया टू अ सिस्टम ऑफ थ्री फोर एंड फाइंडिंग एनी नंबर एन ऑफ पार्टिकल, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एट ऑन ए सिस्टम, ये याद रखो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एट ऑन ए सिस्टम द टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट और इज कंजर्व, सही है। अगर न्यूमेरिकल में आ जाए कि टोटल न्यूमेरिकल टोटल सॉरी टोटल मोमेंटम कब कंजर्व होगा, जब नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, सही है, या इफ द जी, या यू कैन से दैट इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, सही है, इन आइसोलेटेड सिस्टम जो होते हैं उसमें भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, उसमें हमें हमेशा हमारे पास इंटरनल फोर्स होता है, सही है, तो टोटल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा, समझ आएगी आपको। अच्छा, ए सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, अच्छा यही वही बात है जो मैंने अभी आपसे कहा, आइसोलेटेड सिस्टम इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इसका आइसोलेटेड सिस्टम, ये आई थिंक हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा इस बॉडी पे। अच्छा, द फैक्ट दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, अच्छा जब भी आपको आ जाए कि सिस्टम मेरे साथ आइसोलेटेड है, तो आप उस केस में आपने आंखें बंद करके ये कह देना है कि मेरे साथ इस केस में मोमेंटम कंजर्व होगा, सही है। अच्छा, ये कब केस किस केस में होगा, ये उसी केस में होगा कि शायद न्यूमेरिकल में आपको गिवन हो, कि न्यूमेरिकल में आपको गिवन हो कि आपका सिस्टम जो है मेरे साथ आइसोलेटेड सिस्टम है, डेली लाइफ में आपको कोई नहीं कहेगा कि आपका सिस्टम आइसोलेटेड है या क्या है, लेकिन मोस्टली न्यूमेरिकल में आपको यही होगा कि न्यूमेरिकल में शायद ये गिवन होते, इस टर्म से आपने फायदा उठाना है, सही है, कि आइसोलेटेड सिस्टम जब आपको गिवन होगा तो बस आप यानी सिस्टम ऐसा कंजर्व है, सही है। तो अच्छा, इट इज द डायरेक्ट आंसर ऑफ न्यूटन टर्न लॉ, अच्छा कोलिजन, कोलिजन के बारे में पास, अच्छा कोलिजन, वी नाउ यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू एनालाइज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कोलाइडिंग पार्टिकल, इफ यू वांट ए रियल एग्जांपल टू थिंक अबाउट ट्राइस्नोकल बार, ओके, कंसीडर टू पार्टिकल ए एंड बी making a direct head on collision, see, direct means head on collision means yani ek dusre pe bilkul head to head aa rahe hain, see, head on collision ka yahi matlab hai, particle a has mass m1 and moving with a velocity u1, ye wahi velocity jo aap ne yani u1 means initial velocity, see, in the direction from left to right, left se right ki taraf, b has mass m2 and has velocity u2 in the direction from right to left, iska right to left initial velocity, as velocity is a vector quantity there, this is the same as saying that velocity is minus u from left to right, yani left to right opposite direction aap karoge to minus u ho jayega from left to right, iska matlab ye hai, the particle collide after the collision they have velocity yani final velocity v1, iska velocity v1 ho jayega, iska velocity v2 ho jayega aur opposite direction mein ho jayega kyunki collision ke baad ye opposite direction mein jayenge, to ye v2 ho gaya iska aur ye v1 ho gaya, sahi hai, डायरेक्ट फॉर्म, अच्छा डेट इज बोथ पार्टिकल आर मूविंग बैक अलॉन्ग देयर डायरेक्शन ऑफ अप्रोच, यानी अप्रोच डायरेक्शन जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है उसके अपोजिट जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड है, नो एक्सटर्नल फोर्स एट ऑन दिस दिस टू बॉल्स, सो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट दिस टू बॉल्स आर आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट वट एवर हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टिकल, दस टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अच्छा बिफोर कोलिजन में सर ये वेलोसिटी है एम वन इसका m1 v1 minus m2 v2, अच्छा यहाँ पे देख लो u1 क्यों है मेरे साथ, u1 plus x direction में, सही है, तो minus minus किस sign की वजह से, u2 की वजह से, u2 मेरे साथ minus negative direction है, तो दोनों को add कर लो, अच्छा in the momentum after the after momentum so v2 is positive now, नहीं नहीं वो आप सिचुएशन को देखोगे कि मेरे साथ एम वन यानी बॉडी ए का जो मास है वो बॉडी बी के मास के इक्वल है कि नहीं, कुछ चीजों में बॉडी ए इतना होगा और बॉडी बी इतना होता है, सही है, तो मास डिफरेंस, अच्छा टोटल मोमेंटम एम वन यू वन दोनों को इक्वल होगा क्योंकि कंजर्व है, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, अच्छा अब न्यूमेरिकल को आपने किस सवाल, नोइंग द मासेस ऑफ द पार्टिकल एंड द वेलोसिटी बिफोर कोलिजन दिस इक्वेशन वुड अलाउ अस टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन,
मीन्स अननोन क्वांटिटीज को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। द वे टू अप्रोच कोलिजन प्रॉब्लम इज एज फॉलो, ड्रा 11 डायग्राम, आपने 11 डायग्राम ड्रा करने, उसको फिर रिजॉल्व करने, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट को फाइंड करने, ये सारे बातें। बिफोर कोलिजन ड्रा ए सेपरेट डायग्राम शोइंग द सिचुएशन, आफ्टर द कोलिजन टेक केयर और टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ऑल वेलोसिटी, यानी प्लस माइनस का ख्याल रखने। ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, रिमेंबर दैट द मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मींस रिजोल्यूशन, आपने रिजॉल्व करने एक्स और वाई कंपोनेंट। सिमिलरली फाइंड द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन टेकिंग द सेम रेफरेंस डायरेक्शन, देन इक्वेट द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन टू द मोमेंटम आफ्टरवर्ड, क्योंकि कंजर्व होते हैं। आफ्टर दी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। अच्छा आप एक न्यूमेरिकल है, अच्छा ये न्यूमेरिकल आप कर लोगे, इसका सॉल्यूशन गिवन है, ये दूसरा न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर देते हैं। अच्छा एन आइस स्केटर ऑफ मास इतना मास गिवन है, इनिशियली एट रेस्ट पुशेस हिज पार्टनर ऑफ मास 65 किलोग्राम अवे फ्रॉम हिम सो दैट शी मूव विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। What is the initial speed of the first skater after this maneuver? तो मेरे साथ let's say मेरे साथ आया skater है, सही है? सही है? 80 किलोग्राम। Initially at rest, तो मेरे साथ formula क्या है? M1 U1 U2 is equal to M1 V1 plus 2 V2, यही है ना? यहाँ पे माइनस साइन है, सॉरी। खैर ये हम सिचुएशन को देख के भी प्लस माइनस लगा सकते हैं। अच्छा पुश इज पार्टनर ऑफ मास, अच्छा आइस स्केटर इनिशियली लेट से वन जो है वो आइस स्केटर है, ये टू जो है ये वो पार्टनर है इसकी, सही है? तो इनिशियली एट रेस्ट है, तो ये मेरे साथ रेस्ट में हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कंपोनेंट मेरे साथ जीरो हो जाएगा। अच्छा इसका मास कितना है? 65। इसका मास 80 है। अच्छा इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 1.5, इसका भी जीरो है, यानी दोनों रेस्ट पोजीशन में है, ये इसकी पार्टनर है, सही है? अच्छा नहीं बस इसका ये U2 भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर भी जीरो है, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे पुश कर लेते हैं तो वो पार्टनर किस वेलोसिटी में जाते हैं, पार्टनर की वेलोसिटी जो होती है वो 1.5, और इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है कि ये कौन से वेलोसिटी से पीछे जाएगा, सही है? तो ये 65 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड बाय M1 आ जाएगा 80, तो इससे आपके पास आ जाएगा, सही है? ये M1 जो होगा M1 उसका वेलोसिटी होगा, M1 आपके पास 80 हो जाएगा, M2 जो है वो आपके पास 65। जी फाइनल है, फाइनल। ये कैपिटल V1 और कैपिटल V2 जो है ये आपके पास आफ्टर कोलिजन है, तो राइट साइड ये माइनस भी है, यहां पे देखो माइनस भी है, तो ये वहां उस साइड पे चले जाएगा, तो ये M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो ये उस साइड पे चले जाए। ये फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूले में उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो बल्ब आ रहे हैं, सही है? इसका
यू वन है प्लस यू वन होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में, इसका माइनस यू टू होगा। समझ आ गया माइनस यू टू क्यों होगा, क्योंकि माइनस, तो इसकी वजह से ये, तो हाँ तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस इसकी वजह से आ गया। अच्छा आप इस फॉर्मूले को याद भी ना करो तो आपको ये आना चाहिए, ये प्लस माइनस कन्वेंशन, सही है कि ये माइनस डायरेक्शन में तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आफ्टर कोलिजन ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गया आपको? अच्छा नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा मोमेंटम एंड इंपल्स। अच्छा इट इज नाउ यूजफुल टू इंट्रोड्यूस अ क्वांटिटी कॉल्ड इंपल्स एंड रिलेट इट टू अ चेंज इन मोमेंटम। इफ अ कंसर्न फोर्स एफ एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ टाइम डेल्टी द इंपल्स ऑफ फोर्स इज, अच्छा ये वही बात है जो मैंने कल आपसे कहा था कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डॉट एफ डेल्टी एंड दिस एफ डेल्टी इज इंपल्स। सो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, वही बात है जो कल मैंने आपको डिस्कस किए थे। The unit of impulse is same as the unit of force, the newton multiplied by the unit of time, the second, newton second. Impulse का unit क्या है? Newton second, सही है? अच्छा ये आपने याद रखने हैं, ये मेरे साथ f dot delta के equal है, इसमें बहुत सारे student confused होते हैं, impulse मेरे साथ f dot delta के equal है, तो unit newton second होगा। We know that newton second, अच्छा इसमें वही बातें हैं जो कल हमने discuss किए थे, ये देखो, f is equal to p by delta, so f delta is equal to del p. अच्छा मेरा अच्छा वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड एफ डेल टी एज द इंपल्स ऑफ द फोर्स द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज द चेंज इन द मोमेंट ऑफ द बॉडी। सो न्यूटन सेकंड लॉ टेल अस दैट द इंपल्स ऑफ द फोर्स, वही बातें जो हमने कल डिस्कस किया, इंपल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये इस इक्वेशन से देख लो, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अच्छा इट इज यूजफुल फॉर डीलिंग विद फोर्स दैट एट और ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एट एज इन कोलिजन। अच्छा ये इक्वेशन वहाँ पे आपने यूज़ करें जहाँ पे बहुत शॉर्ट एटम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यानी फोर्स एक्ट हो रहे हो लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, जिस तरह हमारे पास कोलिजन होते हैं, कोलिजन में हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए एक फोर्स एक्ट कर लेते हैं, सही। तो द फोर्स बिटवीन कोलिजन कोलाइडिंग बॉडीज आर सेटम कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द कोलिजन बट द इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द एवरेज फोर्स। अगर मेरे साथ कोई बॉडीज कोलाइड कर रहे हैं और उस पर बहुत सारे और भी बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो आपने एवरेज फोर्स लेने और उस पर एक्ट करें, लेकिन नॉर्मली हमारे पास ज़्यादातर केसेस में उस पर एक ही फोर्स एक्ट करते हैं, कांस्टेंट फोर्स। अच्छा यहाँ पे इन्होंने न्यूटन ने यूनिट के बारे में बताया हुआ है कि यूनिट इसका, उसके बारे में ये सारी बातें की हैं कि द एन कम फ्रॉम द एम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, इट इज द यूनिट ऑफ एम्पल्स बट बिकॉज एम्पल इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम इट आल्सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम, उसके बारे में सारी बातें। अच्छा ये जो ये आप सॉल्व कर लोगे खुद ही, और ये जो है मैं सोचा, अच्छा मास में सब गिवन है, मास इज 45, मास भी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, टाइम भी गिवन है एंड दैट इज 3 मिली सेकेंड, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 10 ई पावर माइनस 3। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स, सो फोर्स इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाय टी, इस फॉर्मूले से आप कर लोगे, इट विल बी 45 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 ई पावर माइनस 3, सही है।